नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबको जे आई जी का सलाम। दोस्तों, पिछली बार रिकॉर्डिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे सॉफ्टवेयर में, पता नहीं ऑडियो रिकॉर्ड नहीं की डेस्कटॉप की, और इस कारण से मैंने वो वीडियो छोटा डाला था। मैंने किया बहुत कुछ था उस एपिसोड में, अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने किया क्या क्या था। मेरे को पहले उन चीज़ों के फ्रेगमेंट्स मिल ही नहीं रहे थे। मैंने काफ़ी देर ढूंढा अपने आसपास में, कभी उधर चला गया औरोरा में, ईस्ट साइड में, कभी वहाँ जा रहा हूँ मैं नॉर्थ साइड में, थोड़ा आगे बढ़ा तो इन्हीं दो जगह मैं ईस्ट और नॉर्थ में गया। मैं बहुत देर ढूंढा, मेरे को ज़्यादा कुछ मिला नहीं। वही सी ग्लाइडर के फ्रेगमेंट, सी मौत के फ्रेगमेंट, वही मिले जा रहे थे बार बार, और टाइटेनियम मेरे पास बहुत हो गया इसी कारण से। तो मैंने फिर, मेरे को लगा कि मेरे को अब देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ मिलेंगे मेरे को फ्रेगमेंट बाकी सब चीज़ों के। तो मैंने यूट्यूब खोला, यूट्यूब खोल के मैंने पता किया कि हाँ यहाँ मिलेंगे। तो लाइफ पॉड 17 जो था, जो हमारा वेस्ट साइड में था, लाइफ पॉड 17, ये तो ईस्ट हो गया। इस साइड में, बिल्कुल वेस्ट साइड में, जो अपोजिट साइड है इसकी, इस साइड में जो लाइफ पॉड 17 की लोकेशन दिखाती है, उसी साइड में हमें जाना था। और वहाँ पे मेरे को दो चीज़ों के फ्रेगमेंट मिल गए, और अभी फिर उसके बाद मैं वहाँ से लौट आया। एक्चुअली क्या हुआ, वहाँ पे मेरे को पानी नहीं मिला, तो पानी नहीं था तो ऑब्वियसली बात है मैं मर जाऊँगा, तो मैं मर गया था। और उसके बाद मैं यहीं पे आया, तो मैंने सब चीज़ें बनाई, सी मौत और तुम्हारा ये सब चीज़ें मैंने बनाई। सी मौत भी बनाया, मोबाइल व्हीकल बे भी बनाया, लेज़र कटर भी मिल गया मेरे को, और भी एक दो चीज़ें और मिली हैं, मैं अभी आपको दिखाऊँगा। वो दो चीज़ें मेरे को बाद में मिली। मैं जब वापस आया तो यहाँ पे रेडियो पे मैसेज था, मैंने उसे प्ले किया तो उसने मेरे को एक 300 मीटर दूर की लोकेशन दी, जो काफ़ी अंधेरे में थी। वाकई में बहुत अंधेरा था उस जगह, बहुत डर भी लग रहा था, पर वहाँ पे काफ़ी सारे फ्रेगमेंट मिले मेरे को। वो सरप्राइज़ है, अभी नीचे है, ये देखिए मेरा मून पुल तैयार हो गया है। यही सरप्राइज़ था आप लोगों के लिए आज के लिए, कि ये मेरे को पिछली बार मिल चुका था, सब मैं बना चुका था, पर मैंने ये सब डाला नहीं क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग थी नहीं, और गेम ऑडियो रिकॉर्ड हो ही नहीं रही थी, और वो मैंने बाद में देखा, तो फिर मैंने वही छोटा सा एपिसोड एक बना के डाल दिया, जो जो मैंने चीज़ें बनाई। और इसका मैंने सोचा था कि ये सरप्राइज़ रहेगा आपके लिए, मून पुल। तो इसके फ्रेगमेंट मेरे को वहाँ 300 मीटर दूर मिले, बहुत अंधेरे में। और इसके साथ साथ मेरे को एक फ्रेगमेंट और मिला, प्रॉन सूट टॉर्पेडो आर्म, उसका मेरे को पता नहीं क्या यूज़ है, वो शो भी नहीं कर रहा, हो सकता है आगे आए। और फिर मेरे को रेडियो से दूसरी एक लोकेशन मिली, दूसरी लोकेशन थी यहाँ से 1500 मीटर दूर, टुवर्ड्स नॉर्थ थी, आई थिंक टुवर्ड्स नॉर्थ थी। तो वहाँ से यहाँ से 1500 मीटर दूर, काफ़ी नीचे थी वो लोकेशन, करीब 250 मीटर्स डाउन। जो मैंने ये ऊपर बनाया था अपने पॉड के पास, ये सब बायो रिएक्टर और ये सारा जो मल्टीपर्पज़ रूम, आई फ्रेगमेंट, ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब की लोकेशन मैंने चेंज कर दी, इसके साथ लगा दिया इसे, जब मेरे को पता चला कि ये क्या है मून पुल। एक मैंने फैब्रिकेटर बना लिया यहाँ पे, और एक लॉकर मैंने अंदर बना लिया, इसमें मैंने सब टूल वूल रखता हूँ। वो लॉकर जो वहाँ उसमें था मल्टीपर्पज़ रूम में, उसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। और ये हमारा सी मौत है। एक्चुअली पहले मेरे को पता नहीं था मून पुल क्या है, क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली ऐसी सिचुएशन थी, ये सी मौत तो मेरा वहाँ पार्क था, मुझे तो पता ही नहीं था इसमें सी मौत लगा सकते हैं। सी मौत तो मेरा कहीं और वहाँ पॉड के पास पार्क था। तो मैं पहले मून पुल जब ये बना, तो मेरे को तो पहले इसकी एंट्रेंस ही नहीं मिली, मैं ऊपर से घुसने की कोशिश कर रहा था। मैं सोच रहा था कहाँ से घुसूँ इसमें, कहाँ से घुसूँ, मैं यहाँ साइडों से घुसने की कोशिश कर रहा था। पर फिर मेरे को समझ आ गया मून पुल क्या है। और जब नीचे से इसके मेरे को एंट्रेंस मिली, तो ये एक बस एक रूम सा था, ये काफ़ी बड़ा ये भी नहीं था इसमें, ये तो मैंने आई फ्रेगमेंट बाद में ऊपर से निकाल के जोड़ दिया। और ऐसा था, ये खाली सा था, कुछ नहीं था इसमें, और बड़ा अजीब सा लग रहा था देखने में। तो मैं यहाँ पे आया, मैं कहा ये क्या है, स्विमिंग पूल सा है। तो यहाँ पे आते ही यहाँ पे इसने नो व्हीकल डॉग्ड दिखाया, नो व्हीकल डॉग्ड दिखाया जैसे मैसेज मैंने उसे पढ़ा, मैं कहा ये क्या बोल रहा है नो व्हीकल डॉग्ड, ये क्या मतलब हुआ नो व्हीकल डॉग्ड। यहाँ पे इसने मैसेज दिखाया था, मैं ऐसे था तो इसने मैसेज दिखाया था एकदम से नो व्हीकल डॉग। तो मैंने ये मैसेज पढ़ने के लिए वापस ऊपर गया, और पढ़ा जब मैंने इसे कि नो व्हीकल डॉग, तब मेरे को समझ आया कि व्हीकल मतलब तो वही हो गया, सी मौत ही हो गया। तो मैंने तब सी मौत में मैं ऐसे बैठा फटाफट, मैंने कहा देखते हैं क्या है। तो सी मौत में मैंने बैठा, और जब मैं सी मौत इसके पास लाया, तो एक जादू सा हुआ अचानक से,
अपने आप ही हुआ ये, और सीमत मैं इसके पास लाया और ये अपने आप इसने सीमत को ऊपर उठाया और मैं अंदर। तो मैं इसे पहले पार्किंग समझ रहा था, ये पार्किंग है वाकई में, ये पार्किंग ही है मेरे व्हीकल्स के लिए, एक पार्किंग हो गई। अब सीमत को अंदर इसमें ही रखूँगा मैं, बढ़िया जगह मिल गई मेरे को। और फिर मैंने ये सब चीज़ें उखाड़ के यहाँ लगा दी। बस यही थोड़ा बहुत हुआ था पिछले एपिसोड में। अब आज हम देखते हैं रेडियो हमें कहाँ भेजेगा, और नहीं तो आज हम प्रोपल्शन कैनन के भी फ्रेगमेंट्स ढूंढने जाएंगे उसी साइड में। उसी साइड में है सारे फ्रेगमेंट्स, ये मैंने यूट्यूब से देखा था, सब फ्रेगमेंट उसी साइड में है जो वहाँ पे लाइफ पॉड 17 है, उसी साइड में है सारे फ्रेगमेंट, वहीं मिलेंगे मुझे। तो वहीं पर जाना पड़ेगा मुझे, वहीं पर ढूँढूँगा तो वहीं मिलेगा मुझे। रेडियो पे तो कोई मैसेज नहीं है, तो चलो एक काम करते हैं, चलते हैं उसी साइड चलते हैं, सीमौत निकालता हूँ मैं अपना। पहले तो मेरे को पानी ही मिला ही नहीं, मतलब ब्लैडर फिश कोई मिल ही नहीं रही थी, बहुत देर हो गई, बहुत देर। फिर उसके बाद मेरे को इतनी सारी ब्लैडर फिश मिली, मैंने सबका पानी बना के रख लिया, मैं कहा कोई नहीं आया यहाँ पे। यहीं पे मेरे को कई सारी ब्लैडर फिश मिल गई थी उस दिन, और मैंने उन्हें पकड़ के सबका पानी बना लिया। सबको पकड़ के मैंने पानी बना लिया उनका उस समय। सॉल्ट डिपॉजिट मेरे घर के पास भी है। ले वो तो मिला ही नहीं जो मैं लेने आया था। कैलरी चाहिए भाई, खाने को चाहिए। पीपर इधर आओ बेटा, एक मिनट यार, ये ग्लव्स पहने हुए ना, इन्हें उतार दो, ये बड़ी दिक्कत दे रहे हैं, उतारना पड़ेगा तभी खेल पाऊंगा ढंग से। पीपर आओ, इधर आओ भाई, इधर आओ भाई। गैरी फिश तुम भी आओ बेटा। प्रोपल्शन कैनन का फ्रेगमेंट रह गया बस मेरा भी, और उसका भी मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, और वही देखने जा रहा हूँ। प्रोपल्शन कैनन का भी मिल जाता है फ्रेगमेंट तो सही है, चलो फिर ढूंढते हैं, यही मिल जाएगा प्रोपल्शन कैनन का फ्रेगमेंट। बोरा रैक, इसी में रैक में हमने पिछली बार ढूंढा था, सारा सामान मिल गया, प्रोपल्शन कैनन नहीं मिला। प्रोपल्शन कैनन आगे वाले रैक में होगा, यहाँ पर दो रैक है, एक ये रैक है अंदर, इसके अंदर भी जा सकते हैं हम, और एक आगे यहाँ पे। Passing 100 meters, oxygen efficiency decreased. ओहो काट लिया यार, तन्ने शर्म भी ना आई गंदी मछली तूने, मैंने काट लिया। इसमें कुछ है? ओपन तो है ये। पर सैंड शार्क होगी ना, इसीलिए तो रुका हुआ हूँ, धीमे धीमे देख रहा हूँ उसको, सैंड शार्क की वजह से देख रहा हूँ इतना धीमे धीमे। वो देखो वो खड़ी, ये पीछे पड़ जाएगी अभी, दो मिनट नहीं लगेगी इसे पीछे आने में। सी मौत का फ्रेगमेंट तो ये रहा, सी मौत का है, एक ही रखे जी रहा। प्रोपल्शन कैनन का और फ्रेगमेंट मिल जाए ना तो काम बन जाए मेरा, मैं जा सकूं फिर यहाँ से। पड़ गई पीछे आई थी, काट नहीं आई थी पर मैं निकल आया। यार यहीं कहीं होगा, एक प्रोपल्शन कैनन का और फ्रेगमेंट मिल जाए ना तो काम बन जाएगा। 30 सेकंड मेरा सीमत के घर, पूरा सीमत। सीमत होने का एक फ़ायदा हो गया, अब ऑक्सीजन की इतनी वो दिक्कत होती नहीं है। इसे पार्क करो, अब मैं सीमत में ही चलता हूँ, देखते चलते हैं सीमत से ही, तो मछली आएगी भी तो सीमत पे अटैक होगा थोड़ा सा, इसे रिपेयर कर लेंगे थोड़ी देर में। साउथ ईस्ट की तरफ में दूसरा रैकेज है, इस साइड में थोड़ा बढ़ेंगे तो दूसरा।
दूसरे रैक में भी मिल जाएगा। दूसरे रैक में ढूंढना मतलब ये हो गया, समझो कि उसके लिए तुम्हें लेज़र कटर की ज़रूरत पड़ेगी दूसरे रैक में अगर तुम्हें ढूंढना है। साउथ ईस्ट की साइड है उस साइड। तो मछली टकराई, यहाँ तो बहुत सारी मछलियाँ हैं। ये रहा वो रैक, सैंड शार्क की बहुत सारी हैं। तो ये रहा वो रैक, पासिंग 100 मीटर्स ऑक्सीजन एफिशिएंसी डिक्रीज्ड। यहाँ पे मिलना चाहिए मेरे को, मैं लेजर कटर लगाता हूँ। रिपेयर टूल है, लेजर कटर लगाना पड़ेगा मुझे। इसको अब हम काट सकते हैं, बाहर भी मिल जाएगा हो सकता है मेरे को। सैंड शार्क आ रही है, चक्कू खा के जाएगी। अब की बार अगर सैंड शार्क ने मेरे को काटा तो चक्कू खाएगी, और कुछ नहीं। इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे को अभी कुछ मजाक नहीं है। डिसइंफेक्टेड वाटर, सीक फ्लूइड इनटेक था, सीक फ्लूइड ले लेते हैं। वाइटल साइंस स्टेबलाइजिंग। अब इसे स्कैनर लो। मोबाइल व्हीकल बे फ्रैगमेंट है यहाँ पे, ये मेरे को नहीं चाहिए था। ये शायद प्रोपल्शन कैनन फ्रैगमेंट था। एक फ्रैगमेंट मिल गया मेरे को। 30 सेकेंड्स है, चलो मेरा सीमत किधर है। एक ये खुले हुए पड़े हैं ना, यहीं पे देखता हूँ, अभी मेरे को मिल जाना चाहिए। सैंड शार्क को तो अभी चक्कू मार के भगा दूंगा, भाग जाएगी अभी डर के। अभी भगा दूंगा, आ जा नहीं नीचे आ जा, भाग तो गई। मेरे को यहाँ मिलना चाहिए प्रोपल्शन कैनन फ्रैगमेंट, नहीं तो बेकार हो जाएगा सारा काम। पड़ेगी अभी, चली जाए यहाँ से। सी मौत का फ्रैगमेंट है, टाइटेनियम मिल जाएगा इससे, बस मेटल सेल्वेज इससे भी टाइटेनियम ही मिलेगा। मतलब प्रोपल्शन कैनन के फ्रैगमेंट नहीं दे सकते हैं ना, बायो रिएक्टर। इसमें भी कुछ नहीं है, टाइमस्टोन चंक, गोल्ड मिला। बायो रिएक्टर के हैं यहाँ तो, दो खुले हैं, उनमें हो सकता है। तो बायो रिएक्टर के फ्रैगमेंट्स हैं, इनमें तो कुछ भी नहीं है, खाली पड़े हैं एक्चुअली। ये क्या है, सीमोत का है आई थिंक, सीमोत का है। ये क्या है, मेटल सैंडविच है, कुछ नहीं मिला। एक मिला प्रोपल्शन कैनन का, प्रोपल्शन कैनन का और कोई फ्रैगमेंट नहीं है यहाँ पे, एक आध तो और होना चाहिए यार। प्रोपल्शन कैनन के नहीं मिले यहाँ पे मेरे को, तो प्रोपल्शन कैनन मेरे को देखना पड़ेगा फिर से। मेरे को तो इसने यह बताया था इससे यहाँ पे मिल जाएगा या वहाँ मिल जाएगा, बस दो जगह बताई थी। मैं दो जगह आ गया, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं बेस पे लौटता हूँ, फिर मैं देखता हूँ। मेरा पॉड किधर है, मेरा मैं इधर से ही लौट रहा हूँ सीधे घर की तरफ। ये भी काफी डैमेज हो गया,
Welcome aboard, captain. इतनी इज्जत देते हैं ना ये लोग कि लगता ही नहीं कि भाई हाँ मैं इंसान हूँ. रीइंफोर्स्ड डाइव सूट, हैवी सिंथेटिक फाइबर डाइव सूट प्रोवाइडिंग फिजिकल प्रोटेक्शन एंड एनहांस सर्वाइवल इन एक्सट्रीम टेम्परेचर. जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ पे इस सूट का इस्तेमाल होगा. थर्मामीटर, कंप्यूटर चिप लगेगी बस इसके लिए. थर्मामीटर हम बना सकते हैं कंप्यूटर चिप से. वाह, तो एक काम करता हूँ मैं थर्मामीटर ही बना लेता हूँ पहले. कंप्यूटर चिप के लिए क्या क्या लगेगा? वायरिंग किट लगेगी भाई, मेरे को ये पक्का लग रहा है वायरिंग किट लगेगी. और वायरिंग किट के लिए मेरे पास सिल्वर और है नहीं. एक मिनट, कंप्यूटर चिप एक मिनट इधर होगी ना. कंप्यूटर चिप के लिए क्या चाहिए? टेबल कोरल गोल्ड और कॉपर वायर. चल ये तो बन जाएगा अपना. दो मिनट लगेगी और अभी एक मिनट. हाँ, कंप्यूटर चिप से मैं वो बना लूँगा. तो थर्मामीटर कहाँ है? थर्मामीटर के लिए मेरे को सब चीज़ हो जाएगी. एक मिनट नीचे और देखूँ और क्या क्या चीज़ें हैं. पर्पल टैबलेट मुझे नहीं बनानी. पल्शन कैनन का एक फ्रेगमेंट और मिल जाए बस काम बन जाएगा अपना, है ना. एक फ्रेगमेंट और मिल जाए पल्शन कैनन का. तो गया इंग्रीडियंट्स पता चल जाएंगे. कंप्यूटर चिप बना लो उससे. अब थर्मामीटर कहाँ है? इसमें तो नहीं है. थर्मामीटर बनेगा कैसे? एक मिनट में अपने उसमें देखूँगा ना. टैप करियो थर्मामीटर कैसे बनेगा. ये बनेगा कैसे? कंप्यूटर चिप है तो सही, इसमें तो नहीं बन रहा. सब चीज़ों को पता चल गया पर थर्मामीटर नहीं है. थर्मामीटर भी मिल जाता तो सही रहता. थर्मामीटर के लिए क्या चाहिए? ग्लास टॉकर टूथ और ग्लास टाइटेनियम इनगोट और लिथियम ग्लास स्टील इनगोट. चलो फिर देखता हूँ. कंप्यूटर चिप को अभी यहाँ रख देते हैं फिर. और क्या है, काम आएगी? कहीं और आएगी, यहाँ नहीं आएगी, कहीं और आएगी. एक काम करता हूँ मैं पहले प्रोपल्शन कैनन के फ्रेगमेंट ढूंढता हूँ थोड़ा नॉर्थ साइड में जाके. इस साइड में भी मिलने चाहिए मेरे को. सी ग्लाइडर के भी मिल गए थे. घूमा तो मैं बहुत था खैर, पर मेरे को मिले ही नहीं. लैडर पीछे है. कॉपर टाइटेनियम पहले इधर देखें. यहाँ पर कुछ है? सी ग्लाइडर का फ्रैगमेंट एक और. ये नहीं चाहिए मुझे. प्रोपल्शन कैनन का हो तो नहीं. यहाँ पे भी बहुत सारा वो है, रैकेज पड़ा है. प्रोपल्शन कैनन का है फ्रैगमेंट? नहीं. प्रोपल्शन कैनन बीकन है. आई थिंक ये बीकन है. बीकन फ्रैगमेंट है. तो पल्शन कैनन का ढूंढ रहा हूँ भाई. तो पल्शन कैनन का तो मिलना चाहिए. मिलना तो चाहिए पर मिल नहीं रहा. यही तो बात है, रैकेज देखना पड़ेगा चारों तरफ घूम के कहाँ कहाँ गिरा है. कहीं रैकेज मिल जाए तो बढ़िया है. मेटल चल रहे हैं, ले लो यार. टाइटेनियम तो जरूरत पड़ ही रही है अभी, सबको जरूरत पड़ रही है. यहाँ पे काफी कुछ है. क्वार्ट्स है, कॉपर मिल गया.
क्वार्ट्स है, टाइटेनियम मिल गया, और भी हैं, कॉपर। सीक फ्लूइड इनटेक इमीडिएटली। मैं तो फ्लूइड को अब आराम आराम से ले रहा हूँ। क्वार्ट्स ही क्वार्ट्स है यहाँ पे, कोई नहीं, अपने पे अभी स्टोरेज है इसलिए मैं सारा क्वार्ट्स ले रहा हूँ। क्वार्ट्स की भी ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि ग्लास बन रहा है उससे, बहुत सारी चीज़ें इसी से बनी है क्वार्ट्स से। एक ग्लास के लिए दो क्वार्ट्स लग जाते हैं। कॉपर मत छोड़ भाई, बैटरी बनानी है अभी दो चार, जिन्हें चार्ज करके यूज़ कर सकूँ बार बार। कॉपर, लैडर फिश भी पकड़नी है यार। अब कब तक मैं वो उन स्टोरेज वाले पानियों से काम चलाता रहूँगा, जब तक मिलेगी नहीं ब्लैडर फिश और तो कोई काम ही नहीं। वो स्टोरेज वाले भी ख़त्म हो जाएंगे एक ना एक दिन। ब्लैडर फिश ये रही, पानी बना लूँगा और का है। ये मिलती है ना तो एक साथ ही मिलती है सारी, अलग अलग मिलती है, एक साथ ही मिल जाती है सारी। ये सही है इनका, अब मिल जाती है तो इनका पानी बना के स्टोर करके रख लो, बाद में एक एक करके खाते पीते रहो। दो बोरी स्टॉकर के पास, स्टॉकर आ रहा है। थोड़ी बहुत देर खेलने के बाद इतना एक्सपीरियंस हो गया कि इन्हें चलते चलते ही उड़ा लेता। ये स्टॉकर स्टॉकर तो अब ग्लाइडर की वजह से पकड़ ही नहीं पाते, इसकी पावर 70% रह गई है। वाह, ग्लाइडर की पावर भी कम रह गई है, तो लौटना ही पड़ेगा घर वापस। बैटरी भी निकालनी पड़ेगी, इसका चार्जर वार्जर बनाना पड़ेगा। वो रही एक और, ये मिलती हैं तो सब एक साथ मिलती हैं कई सारी, पकड़ो। और एक आध और मिल जाए, दो मिल गए भाई, दो दिखते, दो तीन दिखते, एक आध की चल रही है। वो देखो झुंड पूरा ब्लैडर फिश का, ब्लैडर फिश ही ब्लैडर फिश पकड़ लिया आज तो, कई हफ्तों का पानी का जुगाड़ है। जब जरूरत होगी जब ब्लैडर फिश निकाल के अपना एक बोतल पी लें थोड़ी सी, इन सब का अब जाके पानी बनेगा। मैं इसे स्टोर करके रखूँगा, एक स्टोरेज में पानी के लिए अलग रखूँगा। बस हो गया अपना काम, लेजर कटर वो रहा रखा, उस रख की तरफ चलते हैं ना। ये तो मैंने स्कैन कर लिया था, कितनी देर हो गई। एक आध फ्रैगमेंट तो मिलना चाहिए प्रोपल्शन कैनन का, ढूंढते ढूंढते थक गया मैं। साइड है ही नहीं प्रोपल्शन कैन के साइड, आई थिंक उसी साइड मिलेंगे मुझे, वो मेरे को उसी साइड मिलेंगे प्रोपल्शन कैन के साइड। लाइफ पॉड 17 की तरफ चलते हैं ना। लेजर कटर भाई, कितने लेजर कटर मिलेंगे पता नहीं, जब जरूरत थी तब दो भी नहीं मिल रहे थे,
और अब ज़रूरत नहीं है तो इतने सारे पड़े हुए हैं। कहाँ टकरा गया ये प्रोपल्शन कैनन और मिल जाए एक कार्गो में तो बात हो जाए। मैं यहाँ लौट के आया हूँ इस उम्मीद में कि यहाँ मेरे को मिल सकता है प्रोपल्शन कैनन। यहीं मिला था मुझे पहले एक, तो यहीं मिलना चाहिए दूसरा भी। ओहो शार्क और है ना ये सैंड शार्क ये है ये और कुछ नहीं करने देते। ये मार रखा है इन्होंने मार रखा है मुझे सैंड शार्क को। भाई एक प्रोपल्शन कैनन का और फ्रेगमेंट मिल जाए तो मेरा जो है काम मिल जाएगा। पर अंदर फिर चले चलो जाके देखते हैं। Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. इसे भी काट सकते हैं वाह पल्शन कैनन मिल जाए ना इसके अंदर तो मजा आ है तो सही इसके अंदर चीजें डाटा बॉक्स है लाइट ब्लू फाइटर न्यू ब्लूप्रिंट एक्वायर्ड लेजर कटर फ्रेगमेंट है लेजर कटर में चाहिए प्रोपल्शन कैनन प्रोपल्शन कैनन यस मिल गया भाई। इसे भी स्कैन कर लो टाइटेनियम मिल जाएगा ब्लूप्रिंट एक्वायर्ड डिसइंफेक्टेंट वाटर चलो भाई प्रोपल्शन कैनन भी अपने को मिल गया। बैटरी चार्जर फ्रैगमेंट बैटरी चार्जर 30 सेकंड्स कोई नहीं करते देखो कितना नहीं मरा जा रहा है। की तरफ वापस तो पल्शन कैनन अपने को मिल गया है अब निकलो यहाँ से। हाँ यार बहुत देर लगी भाई ढूंढने में इसे और था अंदर ही मैंने ये वो गेट नहीं खोला मैंने सोचा ये इतना ही बड़ा कैबिन है ये नहीं पता था मुझे ये ज़्यादा बड़ा है। पहले खोल लेता तो शायद अभी इतना घूमना नहीं पड़ता मुझे पर चलो कोई नहीं इतनी देर ढूँढा प्रोपल्शन कैनन। देखो भाई प्रोपल्शन कैनन के लिए चाहिए क्या क्या पल्शन कैनन के लिए वायरिंग किट बैटरी टाइटल वे यार वायरिंग किट सीरियसली वायरिंग किट चाहिए इसके लिए। सिल्वर और तो है नहीं अपने पे अरे यार बनाना पड़ेगा इसे वायरिंग किट के लिए। अब मेरे को सिल्वर और ढूंढनी पड़ेगी सिल्वर और किसमें मिलती है सिल्वर और कहाँ मिलती है सिल्वर और किसमें मिलती है सैंड स्टोन में मिलती है आई थिंक। तो मेरे को सिल्वर और जो वेस्ट साइड है इस साइड जो है ये जो है ना इन केव्स में मिलती है वेस्ट साइड में जाना मुझे इस साइड में इस साइड में मिलेगा मुझे सिल्वर में पहले यही मिला था
रीच दैट। कितना बड़ा है ना सी ग्लाइड। सिल्वर और एक और मिल गया, बस मजा ही सही आ जाए। कुछ इस साइड में है, लेफ्ट साइड में ज़्यादा था इसका। सिल्वर है आई थिंक, सिल्वर और मिली है मेरे को, दो हो गई। वायरिंग किट लैग तो हो गया। लेड फिर से सॉल्ट डिपॉजिट। इतना तो हो गया शायद, काम लायक तो हो गया। चलो भाई प्रोपल्शन कैनन बनाया जाए। सिक फ्लूइड इनटेक। वायरिंग किट चाहिए थी उसके लिए, एक वायरिंग किट बन गई। एक मिनट और देख लेते हैं प्रोपल्शन कैनन के, एक बैटरी और चाहिए, बैटरी देखेंगे बाद में। अब प्रोपल्शन कैनन तो तैयार हो गया होगा, प्रोपल्शन कैनन तैयार हो गया। और इसी के साथ बहुत बढ़िया खेलते हुए प्रोपल्शन कैनन। वो क्या ये इससे हम पकड़ सकते हैं चीजें और मार भी सकते हैं, ये है इसका काम। जैसे मछली पकड़नी है पकड़ ली, जैसे मछली को पकड़ना है इसे नहीं पकड़ सकते, इसे उड़ा सकते हैं। वो कहाँ गई भाई, ये कहाँ उड़ा दिया इसने, वो भाई रैबिट रे को कहाँ उड़ाया इसने अभी, ये पकड़ा ये उड़ा दिया। वो भाई पानी के बाहर वो तो गया रैबिट रे, वो बहुत दूर उड़ाया इसने, वाकई में बहुत दूर उड़ा दिया। इसी दूर जाएगी, इसकी रेंज क्या होगी क्या पता, उसे विदरिंग वीड को उठा सकता है, नहीं इसे तो उठा सकता है। एसिड मशरूम को मार देखते हैं, कीपर को, कीपर भी मरी। ओ यार बहुत बढ़िया, इसे पकड़ सकते हैं हम। एक्चुअली ये मेरी इन्वेंट्री में आ रही हैं सब मछलियाँ, मैं इन्हें पकड़ सकता हूँ कहीं से भी। ये तो यार बहुत बेहतरीन है, पकड़ लिया, उड़ा भी सकता हूँ ऐसे। इससे हम स्टॉकर को उठा सकते हैं एक बार, चलो स्टॉकर के पास चल के उसे उठा के देखते हैं, उसे उड़ाते हैं। उसने बहुत मारा है यार, स्टॉकर ने बहुत परेशान किया हमें। एक बार स्टॉकर को उठा के देखते हैं। स्टॉकर बेटा कहाँ हो, नॉर्थ साइड में मिल जाएगी स्टॉकर आराम से, नॉर्थ साइड में। ये साइड जो है ना यहाँ मिलेगी स्टॉकर, आराम से मिल जाएगी स्टॉकर। अच्छा हाँ ये जहरीली मछली को करके देखते हैं, कहाँ हो जहरीली मछली तुम। इन्हें नहीं पकड़ सकते, अरे यार ये तो फिर बेकार है, जहरीली मछली को नहीं पकड़ सकते। लेकिन इसका जहर तो पकड़ सकते हैं, ये तो कतई जहर वाली बात है। कहाँ उड़ाया उसे रैबिट रे, आओ बेटा। ये सही है, इससे मार सकते हैं हम मछलियों को, ये है
किसी भी मछली को पकड़ो, फेंक के मारो उसके मुंह पे, लानत है। ओहो जहर लगी गया मुझे भी। बड़ी जल्दी खत्म हो गई यार इसकी बैटरी। अभी तो खेल ही रहा हूँ मैं तो, बस अभी इतनी जल्दी बैटरी खत्म हो गई इसकी। भाई बहुत बेकार यार ये तो, ये चीज़ मेरे को बेकार लगी बैटरी वाली। पावर बहुत कम है भाई इसमें, बहुत ही ज़्यादा कम है पावर। अभी तो मैंने खेल ही रहा हूँ बस, जस्ट कुछ नहीं कर रहा मैं, अभी मजाक कर रहा था बस, अभी तो काम भी नहीं किया इससे कुछ। बैटरी बड़ी जल्दी खत्म हो गई इसकी। तो चलिए फिर दोस्तों, अब मैं आप लोगों से अलविदा चाहता हूँ अगले एपिसोड तक के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल पे, और अगर आप लोग कॉमेडी वीडियोस देखते हैं तो द क्रेजी बॉयज चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप लोगों को नॉन वेज रोस्टिंग पसंद है तो JIG रोस्टिंग पे भी सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।